दोस्तों आज साल का लास्ट डे है और 2020 में बहुत से लोगों ने बहुत पैसे बनाए तो बहुत से लोगों ने बहुत पैसे गवाए भी, क्योंकि जब मार्केट क्रैश हो रहा था तो उसमें बहुत से लोगों के पैसे गवा दिए गए हैं। लेकिन जब मार्केट क्रैश के बाद जब उसमें बाउंस बैक आया तो बहुत से लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए भी, क्योंकि जब निफ्टी अपना 7500 का लो बना रहा था वहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किया होगा उनके आज काफ़ी अच्छे पैसे बन रहे होंगे, क्योंकि आज निफ्टी 14000 के आसपास आके खड़ा हुआ है। तो क्या 2020 भी ऐसी तेज़ी के साथ स्टार्ट होगा या फिर बना रहेगा? तो बिल्कुल बना रहेगा, क्योंकि 2020 में ऐसा कोई खास रीज़न नहीं है जिसके कारण निफ्टी या फिर पूरा का पूरा शेयर मार्केट क्रैश हो फिर से, तो ऐसा कोई बड़ा रीज़न तो है नहीं। तो 2020 भी काफ़ी तेज़ी के साथ ही स्टार्ट होगा और तेज़ी के साथ ही चलता रहेगा। तो दोस्तों आपका 2020 कैसा बीता ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। तो देख लेते हैं ऐसे ही कुछ स्टॉक के बारे में जिसमें आपको ख़रीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप खुद डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि मैं उसके बारे में सिर्फ आपको बताऊँगा, आप खुद को खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि ये सिर्फ उन्हीं स्टॉक की बात नहीं है, 2020 में भी आपको ऐसे ही शेयर्स में एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करना है ताकि आपके कैपिटल की भी सेफ्टी बनी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों हम अपने पहले स्टॉक की बात कर लेते हैं, DHFL। अगर इस शेयर की बात करें तो आज इस शेयर में 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। अगर प्राइजिंग की बात करें तो 29.60 रुपये पर ये शेयर आज क्लोज हुआ है। अगर इनके 52 वीक हाई की बात कर लेते हैं तो 42.85 रुपये, जो कि 14 दिसंबर को ये शेयर बना रहा था, और जिस हिसाब से इसमें अपर सर्किट लग रहा है तो हो सकता है ये शेयर इस साल यानी कि 2020 के स्टार्टिंग में ही अपना नया 52 वीक हाई भी लगा ले। तो चलिए 52 वीक लो की बात करते हैं तो 8.35 रुपये, जो कि 1 अप्रैल को बना रहा था। अगर डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 64.89% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी लोग काफ़ी बुलिश हैं इस शेयर को लेकर। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं चार्ट पे कि चार्ट क्या कहता है। तो दोस्तों अगर इनका सपोर्ट देखें तो इस टाइम ये शेयर अपने 5 दिनों के EMA के पास खड़ा हुआ है, यानी 29.04 रुपये, जो कि इनका 5 दिनों का EMA है, ये शेयर इस टाइम चल रहा है 29.60 रुपये पे। तो क्या इनका नेक्स्ट लेवल हो सकता है? तो दोस्तों 35 का यानी 35 रुपये का पहला टारगेट होगा, और जैसे 35 का टारगेट टूटेगा ये शेयर उसके ऊपर जाके क्लोज होगा, तो फिर 42 का दूसरा टारगेट काफ़ी जल्दी ये शेयर बनाएगा। और जैसे ही 42 यानी 52 वीक जो हाई है वो लेवल तोड़ता है तो ये शेयर 50 रुपये तक भी जाएगा। तो इस शेयर में बने रह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस शेयर में काफ़ी करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, तो अब इसमें फिर से तेज़ी देखने को मिलेगा तो ये शेयर फिर से भागेगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, MT एजुकेयर लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करें तो ये शेयर आप देखेंगे -0.55% आज करेक्ट हो रहा था, 9.05 रुपये का ये शेयर है। अगर इनके 52 वीक हाई की बात करें तो 18 रुपये का है, जो कि 29 जून 2020 में बना था। अगर 52 वीक लो की बात करें तो आप देखेंगे 6.25 रुपये, जो कि 30 मार्च को बन रहा था, यानी कि बहुत जल्दी ये शेयर 300% का रिकवर हो चुका था। लेकिन इस टाइम काफ़ी ये शेयर गिरावट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 18 रुपये का हाई बनाकर ये 9 रुपये, यानी वहाँ से भी काफ़ी आधा हो चुका है। तो इनके अगर बात कर लेते हैं डिलीवरी की, तो आप देखेंगे लगभग 80% की डिलीवरी इस शेयर में उठाई गई है। तो क्या इनका फंडामेंटल भी स्ट्रांग है? देख लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। उससे पहले रिटर्न देख लेते हैं। अगर रिटर्न दोस्तों आप देखेंगे तो देखेंगे 1 हफ्ते में ये शेयर 10% तक करेक्ट हो चुका है। अगर 1 महीने या फिर जनवरी से लेकर अभी तक 1 साल 3 साल 5 साल यानी जहाँ तक भी आप देखेंगे ये शेयर नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है। ये शेयर ने अभी तक पॉजिटिव रिटर्न तो दिया ही नहीं, जो भी पॉजिटिव था वो भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों क्या ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं ये कह रहा कि सिर्फ रिटर्न देखकर आप नहीं कह सकते कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं इस शेयर से रिलेटेड। तो इनका फंडामेंटल पहले देख लेते हैं, 65.44 करोड़ का ये एक कंपनी है। अगर इनके फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। PE की बात करें जो कि माइनस में चल रहा है। अगर PB की बात करें तो 0.4 का है। डिविडेंड यील्ड देख लेते हैं, 0% का है। डेप्ट की बात करते हैं तो 27.07 करोड़ का इनके ऊपर डेप्ट है, यानी कि मार्केट कैप से ज़्यादा नहीं है बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर 65 करोड़ की कंपनी 27 करोड़ का डेप्ट हो तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। कैश की बात करें तो 6.27 करोड़ रुपये इनके पास कैश है, ये एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देखेंगे माइनस में, -20% तक का सेल्स ग्रोथ है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो -32% का है। अगर ROE की बात करें तो -26
परसेंट का है। तो अगर बात करें ROCE की तो आप देखेंगे -11 का है। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं इस कंपनी से रिलेटेड, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। क्योंकि इनका फंडामेंटल आप देखेंगे तो 50-50 है, यानी एवरेज है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। तो और डिटेल देख लेते हैं। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग आप देखेंगे तो 75% का इनका पास होल्डिंग है। हालांकि इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की हुई है, इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी हमारी सेवी की गाइडलाइंस के अनुसार जो कोई भी कंपनी लिस्टेड के बाद मैक्सिमम 75% ही रख सकता है, इसीलिए इन्होंने अपनी होल्डिंग कम की हुई है। तो कोई बात नहीं। लेकिन एक और माइनस पॉइंट है, आप देखेंगे प्लेस शेयर, जो कि जिनका इनके पास जितना भी स्टेक है उसमें से 60% स्टेक इनकी प्लेस है, यानी गिरवी रखी हुई है। ये तो काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं इस कंपनी से रिलेटेड। तो चार्ट क्या कहता है? तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस शेयर से दूर रहना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये शेयर कुछ खास क्लियर कट हमें दिखा नहीं रहा है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो ऐसे शेयर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे रिटर्न बहुत बुरा हाल है। चाहे आप लॉन्ग टर्म देखिए, चाहे आप शॉर्ट टर्म देखिए, ऊपर से इनके ऊपर काफ़ी प्लेस शेयर भी है और डेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए इन शेयर से दूर रहना ज़्यादा बेटर है। बट फिर भी अगर टेक्निकल व्यू देखते हैं, जो लोग इन्वेस्टेड है उनके लिए क्या हो सकता है? तो दोस्तों अगर आप ज़्यादा ऊपर, यानी कि 15 रुपये के ऊपर इन्वेस्टेड हैं, तो आपको मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए। कभी ना कभी ये शेयर ऊपर जाएगा तो आप एग्जिट हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप एग्जिट का मौका ढूंढकर एग्जिट करिए। क्योंकि ये शेयर कुछ खास नहीं है और कुछ खास मूवमेंट दिखाए ऐसा भी नहीं, क्योंकि टेक्निकल व्यू काफ़ी ज़्यादा वीक है। आप देखेंगे काफ़ी बियरिश इसमें जो बन रहा है, कैंडल बन रहा है वो। तो इस हिसाब से इस शेयर से निकल जाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें और गिरावट अभी कंटिन्यू रह सकती है। तो अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो स्नोमैन लॉजिस्टिक, अगर इस शेयर की बात करें तो आज इसमें भी काफ़ी करेक्शन आया, क्योंकि आप देखेंगे ये अपना नया 52-वीक हाई बना रहा था 30 दिसंबर 2020 को, यानी कल के दिन में 71.25 रुपये का। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिलेगा ही। 24.05 रुपये इनका 52-वीक लो है, 13 मार्च को इसने बनाया था। 31.63% इसमें डिलीवरी उठाई गई है, यानी लोग अभी बहुत ज़्यादा डिलीवरी नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा जब भी कोई शेयर अपना नया 52-वीक हाई बनाता है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिल जाता है, सेम इस शेयर में देखने को मिला। तो क्या इनका सपोर्ट हो सकता है? तो दोस्तों सपोर्ट की बात करें तो 5 दिनों का ईएमए 63.71 रुपये, उसको आप स्टॉप लॉस मानकर इस शेयर में प्ले कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आपका स्टॉप लॉस वही होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस अगर वहाँ पे ये शेयर अपना सपोर्ट लेता है तो ये फिर से बाउंस बैक करेगा, नहीं तो ये शेयर फिर 58 रुपीज़ या 52 रुपीज़ तक भी जा सकता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ओलोक इंडस्ट्री, अगर इस शेयर की बात करें तो आज इसमें काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। आप देखेंगे 9.88% की ग्रोथ देखने को मिले, और ये शेयर 20-21 रुपये के बीच में काफ़ी टाइम से फंसा पड़ा था। आज इसने वो ब्रेकआउट दिखा दिया, यानी कि अब इसमें तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। तो अगर आपको एंट्री करनी है तो इस शेयर में एंट्री किया जा सकता है, लेकिन वो बात हम करेंगे चार्ट देखने के बाद। 58.50 रुपये का इनका 52-वीक हाई है, 3 जुलाई को बना था। 3.80 रुपये वाला ये शेयर 1 अप्रैल को अपना लो बना रहा था, उसके बाद आप देखें कि कितनी बड़ी इसमें मूवमेंट देखने को मिला और ये शेयर कितना ज़्यादा भागा है। अगर डिलीवरी की बात करें तो 31.88% का डिलीवरी उठाया गया है। तो दोस्तों चार्ट पे डिटेल देखें तो काफ़ी कमाल का है, क्योंकि जो इसमें ब्रेकआउट आना चाहिए तो काफ़ी, ये शेयर काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था 20-21 रुपये के बीच में, लेकिन आज इसमें काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट आया है। तो क्या इनका नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है? पहले उसकी बात कर लेते हैं। 23.80 रुपये का इनका एक रेजिस्टेंस और बचा हुआ है, और जैसे ही वो लेवल टूटता है तो फिर ये शेयर आपको 25-26 का टारगेट दिखा देगा बहुत ही जल्दी। उसके बाद 30 के ऊपर ये शेयर आपको जाता हुआ दिख जाएगा, तो इस शेयर में आप इन्वेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन बात का जरूर ध्यान रखें कि ये एक पैनी शेयर है, कहीं से भी इसमें ट्रेंड चेंज हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, दोस्तों इस शेयर की बात करें तो आज इसमें भी अच्छी खासी मूवमेंट आई, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी हुए थे। 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, 123 का इनका 52-वीक हाई है, और मुझे लगता है जल्दी ये शेयर अपना नया 52-वीक हाई भी बनाता हुआ आपको दिखेगा। तो अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट पे आप देखेंगे काफ़ी कमाल रहा है। तो इनका क्या नेक्स्ट लेवल हो सकता है? तो वही जो इनका 52-वीक जो हाई है वही पहला टारगेट होगा। जैसे वो टारगेट टूटता है तो ये शेयर आपको 130 का पहला टारगेट दिखाएगा, उसके बाद 142 का दूसरा टारगेट होगा। तो इस शेयर में आप इन्वेस्टेड हो सकते हैं, शेयर काफ़ी अच्छा है। हालांकि इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस शेयर के साथ अगर इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है।
और आप दोस्तों इस चैनल में जितने भी स्टॉक आपको बताए जाते हैं वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होता, आपके एजुकेशन के लिए होता है कि ताकि आप अवेयर रहें अपने स्टॉक से रिलेटेड। अगर आप बेचना खरीदना वो आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे भी जैसे जितने भी स्टॉक मैं बोलता हूँ कि कमेंट में आप बता दीजिए, मैं उसको एनालाइज़ करके बताऊँगा, उसके पैसे मैं नहीं लेता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और नहीं कभी मैं पैसे लूँगा। तो अगर मेरे चैनल के नाम से कोई आपसे पैसे मांगता है तो आप बिल्कुल भी मना कर सकते हैं, बिल्कुल भी किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, क्योंकि आपको पता होगा कि अब हम कल मिलेंगे, गुड बाय 2020, क्योंकि आज ये ख़त्म हो चुका है। तो इन्जॉय करिए, हेल्दी रहिए और हेल्दी इन्वेस्टिंग करिए। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।